नमस्कार, आज मेरे साथ एक बड़ी शख्सियत है, उनसे मैं आज आपकी मुलाकात करवाता हूं। श्री मदन राठौर, जिला पंचायत मंदसौर में अध्यक्ष पद पर आप रहे, सहकारी बैंक के आप अध्यक्ष रहे और अभी तमाम दो बड़े पदों पर भी आप हैं, पुरस्कृत भी आप हुए। मदन जी, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन। आज मेरे से रूबरू हैं, मेरा प्रोग्राम है आज दिल की बात, तो मैं आज आपसे दिल की बात ही करूंगा, राजनीति की बात अपनी जगह। दिल की बात दिल के साथ बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी भी आपको भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में एक पद दिया है संयोजक का, वो आखिर पद है क्या, आपका वर्किंग क्या रहेगा उसमें? मैं लंबे समय से कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ हूँ जी। बहुत पहले मैं मल्हारगढ़ कोऑपरेटिव का अध्यक्ष हुआ करता था, उसके बाद बैंक का प्रतिनिधि, लंबे समय से मैं बैंक प्रतिनिधि रहा हूँ और अभी 2014 से लेकर के 2019 तक मैं सहकारी बैंक का अध्यक्ष रहा, जिला सहकारी बैंक, मंदसौर नीमच जी। दोनों का एक बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, 172 सोसाइटी और 35 ब्रांचें उसमें हैं, उसका अध्यक्ष रहा। और उस दौरान मेरी जो वर्किंग है, मेरा जो काम हुआ है, मैंने जो काम किया है पूरी टीम के साथ, मैं अकेला कुछ नहीं करता लेकिन मेरे साथ जो पूरी टीम थी, सब ने मिलकर भी जो एक संदेश देने की कोशिश करी है जी। निश्चित मुझे ऐसा लगा कि उस कोऑपरेटिव की जो वर्किंग है जी। और कोऑपरेटिव में इनाल मिलाकर कोऑपरेटिव व्यापार है, व्यापार का मतलब होता है कि जनता का दिल जीत करके व्यापार करना जी। हम राजनीति में काम करते तो जनता का दिल जीत करके व्यापार करना, मैंने कोशिश ये करी है। कैसे किया सब आपने? नहीं, मेरा जनरली मैं किसान परिवार से निकला हूँ हाँ। और किसान परिवार से होने के कारण लोगों को सहजता से सहकारिता का लाभ मिले हाँ। सहकारिता से लोग जुड़े, क्योंकि सरकार ने सहकारिता को एक 0% ब्याज का एक उदाहरण देना चाहता हूँ, 0% ब्याज से लोगों को लोन मिलता है, लेकिन लोन मिलने के बीच में जितनी परेशानियां लोगों को आती है, उन परेशानियों को मैंने समाप्त करने का मैंने प्रयास किया और सहजता से लोन मिले, ताकि लोगों को लगे कि यार, कहते हैं ना लोग, यार कई लोन चपला घसी जमा के जय जय ना जी। हमने ये प्रयास किया है कि लोगों को सहजता से मिले और सहजता से लोगों को बैंक का जितनी भी योजना है उन योजनाओं का लाभ मिले। और इसको लेकर के मैंने बैंक की आर्थिकता को पहले देखा। आर्थिकता में बैंक का जब मैंने चार्ज लिया, उसके बाद लगातार अधिकारियों को बैठक करके मैंने कहा पहले घर तो आर्थिक दृष्टि से ठीक हो, ठीक, घर का मतलब बैंक पहले आर्थिक दृष्टि से ठीक होना चाहिए। और हमने लोगों की एफडियां करना, लोगों को वितरण करना, वसूली करना, इन सब का एक मॉनिटरिंग करता था। मैं पहला अध्यक्ष हूँ, मैंने जो अधिकारियों में बैठक लेकर के उसकी मॉनिटरिंग करता था, वो उसका फायदा मुझे ये मिला कि पहले साल 9 करोड़ का प्रॉफिट, दूसरे साल 12 करोड़ का प्रॉफिट, तीसरे साल 14 करोड़ का प्रॉफिट, चौथे साल लगभग 15 करोड़ समथिंग प्रॉफिट। टोटल 4 साल का कार्यकाल हमारा रहा, 4.25 साल का कार्यकाल, और उसमें 55 करोड़ प्रॉफिट में बैंक आया है, जो अपने आप में अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा मंदसौर की बात है। आपके कार्यकाल में हुआ है, मेरे कार्यकाल में ये सब कुछ काम करते देखते हुए पार्टी ने आपको के पद दिया प्रदेश में, कौन सा पद है आपके पास? मेरे को जो पद दिया, मैं सहकारिता थोड़ा और आपको ले जाना चाहता हूँ। सहकारिता में केवल आर्थिकता ही काम नहीं होता है हाँ। केवल आर्थिकता से जोड़ना नहीं होता, सहकारिता में मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मानवता के लिए भी कुछ काम करना, नवाचार। हमने कुछ नवाचार किए जो देश के इतिहास में आज तक नहीं है। नवाचार से मेरा मतलब है, जब मैंने बैंक की पहली बैठक करी और बैठक करके मैंने कहा कि हम आज की तारीख में अनेक लोग ऐसे हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, मध्यम परिवार के या पैसे वाले परिवार के लोग हैं हाँ। जो बीमार होने के बाद 80% बहनें रक्त के अभाव में अपनी जान गंवा देती है। क्योंकि मेरे पिताजी का जब उदयपुर में ऑपरेशन हुआ था, मुझे मालूम है कि रक्त के लिए कितना लोगों को भटकना पड़ता है। मैंने ये तय किया है कि मैं बैंक के माध्यम से, क्योंकि बैंक में जो टीम, बैंक में जो वर्क है, उन लोगों को जोड़ करके, उन लोगों का मन जीत करके मैंने तय किया था कि मैं रक्तदान प्रारंभ करूं। क्योंकि गांव में जो लोग हैं वो डरते थे रक्तदान करने से, डरते थे, पिता पुत्र के लिए रक्तदान नहीं करता था, पत्नी पति के लिए रक्तदान नहीं करती थी, कि रक्त देने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा, शरीर टूट जाएगा, एक जो भ्रांतियां थी उन भ्रांतियों को मैंने दूर करने का प्रयास किया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, देश का पहला बैंक जिसने 13 कैंप लगाए और 13 कैंप लगाने में
10,394 लोगों का रक्तदान करवाया, जो अपने आप में देश ही नहीं विश्व लेवल का एक मामला है। देश के इतिहास में, आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं है। आपके कार्यकाल में मुझे मालूम है राम रहीम, मैंने जब सर्च किया, मैंने सर्च किया मोबाइल पे, तो राम रहीम जो आज जेल में बंद है अपने कर्मों की वजह से, उन्होंने बड़ा रक्तदान कराया था धार्मिकता के आधार पर, लेकिन हमने सहृदयता के माध्यम से जो रक्तदान कराया वो अपने आप में एक अद्वितीय काम है। और हमने कहा अर्थ भी देंगे और रक्त भी देंगे, ये स्लोगन हमने दिया, नहीं दुनिया ने उसको कोट किया था, अर्थ भी देंगे रक्त भी देंगे, और उसको लेकर के जो हमने मिशन शुरू किया। फिर हमने दूसरा हमने तय किया कि हम पर्यावरण की हालत बहुत खराब है और सहृदयता की पर्यावरण में बहुत बड़ी भूमिका है। हमने 172 सोसाइटियों में प्रत्येक सोसाइटी में 50 पौधे लगाएंगे, और लगाएंगे नहीं उनको जिंदा रखेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आज की तारीख में 2 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी 60% पौधे आज भी जीवित है, फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष। हमने प्रत्येक सोसाइटी में 50 पौधे लगा करके एक संदेश देने का प्रयास किया कि पर्यावरण को जिंदा रखना भी हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है, क्योंकि पौधा अगर जीवित है तो मनुष्य जीवित है, पौधा अगर मर जाएगा तो मनुष्य भी मर जाएगा, इसलिए हमने वृक्षारोपण करके एक संदेश देने का प्रयास किया। तीसरा हमने जो काम किया है, पक्षी भी परिवार का अंग है, पक्षी भी परिवार का सदस्य है, क्योंकि इस धरती पर जितने भी जीव जंतु है वो सब परिवार के अंग है। और हमने ये तय किया कि गर्मी में अनेक पक्षी पानी के भाव में, दाने के भाव में, दाना पानी नहीं मिलने के भाव में दम तोड़ देते हैं। हमने तय किया कि हर सोसाइटी में एक संदेश देने का प्रयास किया कि 50-50 हम पार्ट्स का वितरण करेंगे, ताकि लोगों को एक संदेश जाए कि मनुष्य की ड्यूटी क्या है, मनुष्य का फर्ज क्या है, मनुष्य जीवन हमने लिया किस लिए है, और अगर हमने मनुष्य जीवन लिया है तो हमने पर्यावरण से लेकर के पशु पक्षी भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, और हमने 50-50 पार्ट्स बांट करके एक संदेश देने का प्रयास किया है कि गर्मी में पक्षी पानी के अभाव में मरे नहीं, उनका ये संदेश देने का हमने प्रयास किया है। जी जी जी। उसके साथ हमने और भी नवाचार किए हैं, जो संकट में आ जाते उनके लिए पैसा कलेक्शन करके पैसा भेजना, भूकंप आया था उस समय भूकंप, और उस भूकंप के लिए 7 लाख का कलेक्शन करके हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को उज्जैन भेंट किए थे, और भूकंप जहां भी भूकंप आया वहां पर हमने उसको भिजवाया था। इस प्रकार से नवाचार, आजादी के बाद पहली बार बैंक में जो काम किया है सबके सहयोग से, एक मदन राठौर कुछ नहीं कर सकता है, मदन राठौर के पीछे जो टीम लगी थी, मदन राठौर के पीछे जो डायरेक्टमेंट के लोग, मदन कर्मचारी लोग, जो कर्मचारी लोग हैं, छोटे छोटे कर्मचारी, सोसाइटी के कर्मचारी, चपरासी से लेकर के ब्रांच मैनेजर और ब्रांच मैनेजर से एमडी तक, उन्होंने जो सहयोग किया है वो सब उसमें भागीदारी है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, ये काम उन्होंने करके दिखाया। मदन जी आप एक निमित्त मात्र हैं, आपने कहा कि पूरी टीम लगती है, कर्मचारी उसमें लगते हैं, चपरासी उसमें लगता है, तमाम लोग उसमें लगते हैं, उनका आज तक आपने कोई भला नहीं किया? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैंने बैंक में रहने के बाद कर्मचारियों को सहजता से, छोटे छोटे कर्मचारी लोन के लिए परेशान होते थे, हमने कहा 2 लाख का था लोन, केवल कोई गारंटी नहीं बैंक की गारंटी पर, छोटे छोटे जो परिवार के लोग हैं, परिवार में जब कमी हो जाती है तो एक व्यापारी को हाथ फैलाते हैं, 2%, 3%, 5% पैसा लाते हैं उनको तत्काल, और बड़ी संख्या में हमने उन किसानों, छोटे कर्मचारियों को लोन देने का प्रयास किया है। छोटे कर्मचारियों को अनेक सुविधाएं, ये तो मैंने एक उदाहरण के लिए आपको बता गिनाया है उनको, और मैंने एक फंड तय बनाया था, मैंने कहा एक फंड बनाया जाए, कुछ परसेंट हम पैसा इकट्ठा करेंगे, कुछ परसेंट बैंक देगी, कुछ परसेंट राज्य शासन देगा, जब भी किसी भी कर्मचारी के परिवार में कोई कमी होगी सीधा सीधा उसे 2 लाख का फायदा, 3 लाख का फायदा, लेकिन सरकार के रजिस्ट्रार ऑफिस भोपाल के कारण से उस योजना को रोका गया था। लेकिन हमने इस प्रकार की अनेक योजनाएं कर्मचारियों को भले के लिए किया है, कर्मचारी भी परिवार का अंग है। मेरा एक सवाल आपसे होता है, आप तो सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक बन गए, मतलब एज ए अध्यक्ष आप बन गए, पूरा प्रदेश आपके हाथ में है, आपने ठीक है उनको लोन वगैरह सब कुछ दिया, मगर आज उनका दर्द ये है कि वो स्थायी नहीं हो पाए, उसके लिए आपने अभी तक क्या कुछ प्रयास आपने, आज शिवराज जी जो बातें करते हैं, शिक्षक की बात करें, दूसरे की बात करें, पर सहकारिता में काम करने वाले जो कर्मचारी आज भी स्थायी नहीं हो, मैं बताता हूं, बड़ा सवाल है। सहकारिता में लंबे समय से कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन गत सरकार में, उससे पहले वाली सरकार ने प्रयास किए, लगातार प्रयास किए, वैकेंसी निकाली, 40-60%
हम सोसाइटी के प्रमोशन के माध्यम से भरेंगे और 40% राज्य शासन के माध्यम से, सहकारी संघ के माध्यम से उनकी भर्ती करेंगे। ये योजना सरकार ने बनाई है और बहुत जल्दी उसका इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। आज की तारीख में बड़ी संख्या में पद रिक्त है, हमारे पास एमडी नहीं है, हमारे पास बीएम ब्रांच मैनेजर नहीं है, हमारे पास सोसाइटी में छोटे स्तर पर काम करने वाला। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, संदेश भी देना चाहता हूँ, सरकार को भी मैं बताना चाहता हूँ कि जहां तक हाईटेक का जमाना है, आप अगर टैलेंट लोगों को अगर आप नौकरी नहीं दोगे तो आप बहुत ज्यादा पिछड़ जाओगे। टैलेंट लोगों की आवश्यकता है और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, सहकारिता के माध्यम से बहुत लोगों का आप भला कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, कौन करेगा मैं बताना चाहता हूँ आपको, नाबार्ड। नाबार्ड बड़ी संख्या में पैसा देता है बैंकों को। पहला बैंक मंदसौर जिला, मंदसौर नीमच जिले का पहला बैंक है, हमने 3000 परिवारों को, 3000 परिवारों को सीधा, कौन से परिवार, झाड़ू लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला, नाई की दुकान चलाने वाला, ऐसे परिवार, ठेला चलाने वाले, नीमच में 250 ठेला चलाने वालों को हमने लोन दिया और उसमें 25% से 30% सब्सिडी। मैं कर्मचारी की बात कर रहा हूँ, आप पब्लिक में चलेंगे। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, कर्मचारी का भला नहीं हुआ, कर्मचारी नहीं, कर्मचारी का मैं आप सरकार की बात कर रही, सरकार कौन, सरकार तो आप है, आप है प्रदेश में, आप है करने वाले, आप है सरकार, दूसरी का है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको, अब हमारी सरकार इसके प्रति दृढ़ संकल्पित है। कब तक? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, एकदम कब तक मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं संगठनात्मक सहकारिता के पद पर हूँ, मैं प्रशासनिक पद पे नहीं हूँ, प्रशासनिक पद पे पर आपकी बात को सुना जाता है। सुनेंगे ना, हम सुनाएंगे, नहीं भी सुनेंगे तो सुनाने का प्रयास करेंगे कि तत्काल आज की तारीख में 10,000 कर्मचारी सहकारिता में, सोसाइटी में भर्ती होने की पूरी संभावना है, 10,000 परिवारों को रोजगार देने की संभावना है और वो बहुत जल्दी भर्ती होंगे, इसका एक मजमून तैयार कर लिया गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले सहकारिता में नए लोगों को, टैलेंट लोगों को हम रोजगार देने का प्रयास करेंगे। हम ये चाहते हैं कि सहकारिता रोजगार के क्षेत्र में इन नए नए लोगों के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि सोसाइटी में भी टैलेंट व्यक्ति की जरूरत है, बैंक में भी टैलेंट मैनेजर की जरूरत है, एमडी भी टैलेंट की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और सबका सहयोग, ये जो मान लो फार्मूला दिया है, यह फार्मूला कोऑपरेटिव में हम लागू करना चाहते हैं और लागू करके रहेंगे। जी जी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको एक बड़ा पद दिया है, FCI में सदस्य आपको बनाया पूरे सेंट्रल लेवल का, सर आपका उसमें वर्किंग स्टाइल क्या रहे? नहीं, मैं धन्यवाद देता हूँ केंद्रीय नेतृत्व को, क्योंकि उसके बगैर वहाँ किसी की नियुक्ति होती नहीं। केंद्रीय नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को, देश का बहुत बड़ा ऐसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसका टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए में टर्नओवर है उसका जी, माल को खरीदना, माल को, माल में चावल है, गेहूं है, चना है, अन्य जितने जींस खरीदना और जनता तक पहुंचाना, जैसे चना है, गेहूं है, चने की दाल है या चावल है, बड़ी मात्रा में दक्षिण क्षेत्र में चावल का बहुत जबरदस्त स्कोप है और उत्तरी क्षेत्र में गेहूं का बहुत बड़ा स्कोप है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना लगा और कोरोना लगने के बाद पहले साल कोरोना का शुरू हुआ था, उसमें 80% परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को जो गेहूं और चावल देने का प्रयास किया निःशुल्क, आज तक इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन उसका माध्यम था FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से। उस समय ट्रेनें बंद, व्यवस्थाएं बंद, सब चीजें ठप होने के बाद सहकारिता के माध्यम से सहकारिता तक स्टेट में पहुंचाना और स्टेट के माध्यम से जिले तक पहुंचाना, जिले के माध्यम से तहसील तक पहुंचाना और तहसील से के माध्यम से घर घर तक, झोंपड़ी झोंपड़ी तक, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का जो काम किया है वो FCI का बहुत बड़ा उसमें रोल है। आपको पुरस्कार भी दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, करीब 11 लाख रुपए का सुना था हमने। सर ऐसा आपने क्या कीर्तिमान स्थापित कर दिया? नहीं, मेरा कोई कीर्तिमान नहीं, मैंने जैसा आपको बताया मैंने कुछ नवाचार किए हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा इफको कंपनी को, क्योंकि इफको का मैं सदस्य रहा हूँ। इफको में 2016 में कार्यक्रम हुआ था, 50वां वर्षगांठ मना था उज्जैन में, उस समय भी मैंने कुछ पॉलिसी पर वहाँ पर मेरा स्पीच भी हुआ था। और उसके बाद मैं जो कोऑपरेटिव में मैंने जो काम किए हैं, मैं इसमें नरेंद्र सिंह जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जो कृषि मंत्री हैं
उनकी जानकारी में भी यह है, उनका भी बड़ा सहयोग है, FCI में भी मुझे लगता है कृषि मंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग है। तो जो मैंने काम किया है, मैंने कहा ना कि 2.25 साल बाद, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुझे इतना बड़ा पुरस्कार, इतना बड़ा सम्मान, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल सम्मान का है। देश के इतिहास में सबसे बड़ा पुरस्कार, सहकारिता बंधु पुरस्कार IFFCO के माध्यम से जो मिला है, वह मेरा पुरस्कार नहीं है, वह सहकारिता में काम करने वाला, जैसे मैंने पहले आपको प्रारंभ में कहा है कि चपरासी से लेकर के MD तक जितने कर्मचारी हैं, मेरे बैंक के डायरेक्टर, मेरे साथ जितने लोग काम करने वाले थे, उनको लेकर के प्रदेश नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय सुहाजी भगत संगठन महामंत्री जी, उस समय जो संगठन महामंत्री हुआ करते थे, इन सब की बहुत बड़ी भूमिका उसमें रही है। क्योंकि व्यक्ति अगर प्रशासकीय पद पर बैठता है तो अकेला कुछ नहीं कर सकता, जहां तक नीचे से लेकर ऊपर तक लाइन नहीं मिलती है, वहां तक आप कोई भी काम करने में, और मैंने जो नवाचार किया है उसमें इन सब लोगों की सहभागिता रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जो बताया है कि मैंने 10,394 लोगों को रक्तदान कराया है, तो उन्होंने कहा मैं आऊंगा। हमने तय किया था कि जिन लोगों ने रक्तदान किया है उनको हम सर्टिफिकेट देंगे, उनका वो बनाएंगे, कार्ड बनाएंगे, बी ग्रुप, सी ग्रुप। और मैं कहना चाहता हूं, दावे के साथ कहना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव के रक्तदान के बाद आज मंदसौर नीमच जिले में कोऑपरेटिव के माध्यम से जो हमने काम किए थे, आप मंदसौर और नीमच जिला आज रक्त निर्यात करने वाला जिला है। अभी मंदसौर में मैं गया था हॉस्पिटल में जी, उन्होंने कहा 400 यूनिट हम कोटा भेज रहे हैं, कोई बात नहीं करता, लेकिन ये उसके पीछे कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी का भूमिका है, सब लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मुझे सहकारिता से संयोजक के पद पर पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे नवाजा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय सुहाजी भगत का, अन्य सब वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं यहाँ तक जो पहुंचा हूँ ना, माननीय सुंदरलाल जी पटवा, माननीय वीरेंद्र कुमार सगलेजा, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे, ये जो बड़े कुशाभाऊ ठाकरे ने तो मुझे संगठन मंत्री बनाया था भाई। एक छोटा सा कार्यकर्ता को बुला करके कहा कि मदन तुमको संगठन का काम करना है, मैं संगठन मंत्री रहा, 8 साल तक संगठन मंत्री रहा। तो दिशा देने का काम तो इन लोगों ने किया ना, हम तो एक छोटे से गांव में जन्म लिया हमने, तो हम मनासा तहसील के छोटे से तलहू में गांव जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद यहां तक पहुंचना, ये ईश्वर की कृपा तो है, हमारे कुल देवी देवता की कृपा तो है, लेकिन राजनेताओं का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। और इसी के माध्यम से मुझे आज सहकारिता प्रकोष्ठ, और मैं कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सहकारिता में अनेक संभावना है, सहकारिता को न समझा है, न सहकारिता को लोगों ने समझने की कोशिश की है, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलकर के, माननीय सुहाजी भगत से मिलकर के, संगठन के माध्यम से सहकारिता क्या है, सहकारिता का काम करने का तरीका क्या है, सहकारिता आज की तारीख में। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मुझे जो पुरस्कार मिला ना, उस पुरस्कार में माननीय अमित शाह जी, अभी मैं 25 तारीख को दिल्ली में मेरा स्वागत हुआ, 25 तारीख को मैं IFFCO के उस वर्ल्ड लेवल का जो कार्यक्रम था, जिसे 10 करोड़ लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा है, उस कार्यक्रम में अमित शाह जी से मेरी सीधी सीधी चर्चा हुई, उनको भी हमने कहा कि हम सहकारिता क्षेत्र में काम करने की मानसिकता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, पहली बार देश के इतिहास में पहली बार सहकारिता को इतनी हाइट दी है, और उसको उसका दायित्व दिया है माननीय अमित शाह जी को। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मैं कहना चाहता हूं आपको कि मैं जब बैंक का अध्यक्ष हुआ करता था, 50 लोगों की टीम लेकर के मैं अहमदाबाद गया था। सहकारिता है क्या? केवल सहकारिता में हमने सबका साथ सबका विश्वास करके उस सहकारिता को समझने की कोशिश करी है, और उसको लेकर के 50 लोगों की टीम लेकर के मैं अहमदाबाद गया। अहमदाबाद की बैंक को मैंने देखा, जिस बैंक के अध्यक्ष माननीय अमित शाह हुआ करते थे, और उन्होंने उस बैंक को सजाया सवारा और आगे बढ़ाया है। मैं केवल बैंक में नहीं गया, मैं सोसाइटियों में गया, सोसाइटी के काम करने का मैंने तरीका देखा, महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र में सोसाइटियों में मैंने काम करने का तरीका देखा, गुजरात गया, गुजरात की सोसाइटियों में मैंने काम करने का तरीका देखा। और मैं आपको किस चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि सहकारिता से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता। सहकारिता आर्थिकता को मजबूत करने का, सहकारिता कृषि क्षेत्र को मजबूत करने का, हरित क्रांति को आगे बढ़ाने का, सहकारिता सामंजस्य का, सहकारिता प्रेम भाव का, सहकारिता आत्मीयता को आगे बढ़ाने का,
सबसे बड़ा माध्यम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कोऑपरेटिव को किसी ने साथ लिया तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको पुनः कहना चाहता हूं कि माननीय अमित शाह जी का जो भाषण हुआ वो भाषण मेरे मन के माफिक भाषण था। उन्होंने कहा कि सहकारिता का जाल हम और फैलाएंगे, छोटे छोटे गांव में सहकारिता सोसाइटी बनाएंगे जिसके कारण से छोटे छोटे लोगों को उसका सहयोग मिल सके। मैं आपको कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सहकारिता एक आंदोलन है, क्योंकि सहकारिता के माध्यम से छोटे छोटे लोग, हैंड टू माउथ जो लोग हैं गांव में, मैं कह रहा हूं कितनी संभावना है आज कोऑपरेटिव सहकारिता में, इतनी संभावना है कि 10 लोगों का आपने समूह बनाया और उस समूह को लोन देंगे, नाबार्ड से पैसा लेंगे, 30% सब्सिडी देंगे और समूह को लोन बना करके देंगे। महिलाओं को समूह है, नौजवानों को रोजगार देंगे, बेटियों को रोजगार देंगे, बुजुर्गों को रोजगार देंगे, दुग्ध है, श्वेत क्रांति को बढ़ाने में भी सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है। बड़ा काम है, लेकिन बड़ा काम है और हम करके दिखाएंगे। अभी तो मेरा प्राइमरी स्टेज है, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं सहकारिता को ये बताना चाहता हूँ, सहकारिता से बड़ा कोई प्रकल्प हो नहीं सकता। जी।